दापली नंबर लिया हो मारो टैलेंट हो, अब रॉन्ग नंबर बताओ दापली हो। ये बात अच्छी लगती है कि वो मुझे घुमाने ले जाते हैं दूर दूर तक साइकिल पे, तो मुझे वो अच्छा। जो भाई को कहना चाहूँगा, अगर आपको मेरी आईडी दिखी तो मुझे रिक्वेस्ट भेजना, फिर अपन दोनों साथ में। नहीं देखा हुआ आपने? हाँ। इसलिए मुझे लगा कि शॉर्ट्स वीडियो। क्या कहना चाहती हो? जिनकी याद नहीं होती चीजें, उनके याद ऐसे होगी वो अपने माइंड से उनको देखें, आंखों से नहीं माइंड से। हाँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमजे नाट 11 के साथ। दोस्तों आज है हनुमानगढ़ की हम एक बहुत ही प्यारी शख्सियत के साथ, जिनका नाम है लव चौधरी। इंस्टाग्राम पर काफ़ी वायरल है, पिछले काफ़ी टाइम से, पिछले 6 महीने से एक्टिव है, और बहुत सारे क्वेश्चन हैं इनकी ऑडियंस है, उनके बहुत सारे क्वेश्चन है लव चौधरी के रिगार्डिंग। आज सारी बातें जानेंगे, कहाँ से है, क्या काम करते हैं, और उनके जितने भी क्वेश्चन हैं हमें पता है वो कौन कौन से हैं, वो सारे आज हम इनसे पूछेंगे। सबसे पहले लव, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू। अच्छा लव, सबसे पहले ना आप अपने है ना गाँव का नाम और ज़िले का नाम बता दीजिए। मेरे ज़िले का नाम है हनुमानगढ़ और मेरे गांव का नाम गोलूवाला। गोलूवाला है, अभी हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर गोलूवाला गांव है, वहां से लव चौधरी है। अच्छा लव, आपको पता है अभी आपको कितने लोग देखते हैं? 60,600। क्या बात है, अभी इतना एक्चुअल डाटा तो इनके भाई जो इनका अकाउंट हैंडल करते हैं अबे उनको भी नहीं पता होगा कि 60,600 इनके टोटल फॉलोवर है। अच्छा लव, आपको पता है भी कितने सारे होते हैं ये? बहुत सारे होते हैं अभी, बहुत सारे। अरे क्या बात इतने सारे होते हैं। अच्छा आपको पता है वो सारे के सारे आपसे बहुत प्यार करते हैं? यस। इसलिए वो आपकी वीडियो देखते हैं? यस। हाँ। अच्छा लव, कितने साल के हो आप? 8.5 ईयर्स। हाँ 8.5 ईयर है, 8.5 साल के हैं लव। और कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सेकंड क्लास लव चौधरी पास कर चुके हैं और अभी थर्ड क्लास में होने वाले हैं, है ना? यस, सेकंड में हूँ अभी, थर्ड में नहीं जाने वाला। अच्छा, थोड़े टाइम के बाद जाऊंगा तो। हाँ थोड़े टाइम के बाद जाएंगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लव चौधरी के 60,000+ फॉलोवर है इंस्टाग्राम पर, और पिछले 6 महीने से इनके भाई अभय, जो इनके बड़े भाई है, वो इनका अकाउंट हैंडल करते हैं। उनसे बातचीत में हमें पता चला कि इनका जो अकाउंट है वो सिर्फ 6 महीने पुराना है, जनवरी 6 को इनका अकाउंट बनाया गया था, और अभी 19 जून है, तो 19 जून के हिसाब से करीबन 6 महीने पुराना है, और 60,000 से ज़्यादा की फैन फॉलोइंग गेन किए इन्होंने सिर्फ 6 महीने के अंदर। अच्छा लव, एक प्यारी सी अपनी शायरी सुना दीजिए जो अपने अकाउंट पे सुनाते हो। ओके। दापली नंबर लिया हो मारो टैलेंट हो, अब रॉन्ग नंबर बताओ दापली हो टैलेंट हो। दापली हो टैलेंट है, क्या बात है। मैं आपको बता दूं कि इनके अकाउंट पर अब तक की जो सबसे वायरल वीडियो है वो करीबन 57 लाख से ज़्यादा बार देखी जा चुकी है, और काफ़ी एक्टिव अकाउंट है, और इनके बड़े भाई अभय निवाड उनके अकाउंट को हैंडल करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, आपको वीडियो बनाना पसंद है? यस। अच्छा पहले भी पसंद था? पहले नहीं थी, अब है? यस। आप अभी 60,000 है अपने अकाउंट पर, अब आगे का अपना क्या टारगेट है? आगे का 2 मिलियन सरप्राइज। आज 2 मिलियन? 1 मिलियन भी नहीं, 2 मिलियन? 1 मिलियन का सरप्राइज है। अच्छा 1 मिलियन का सरप्राइज अभी। अच्छा क्या सरप्राइज रहने वाला है? वो मैं किसी को नहीं बताऊंगा, वो किसी को नहीं बताएंगे भी, लव है ना, किसी को नहीं बताएंगे। सरप्राइज कहाँ रहेगा? वो सरप्राइज कहाँ रहेगा, मैं भी बिल्कुल पागल हूँ भाई, सरप्राइज भी बता रहे हैं और फिर मैं पूछ भी रहा हूँ। वो तो 1 मिलियन होगा तब पता लगेगा ना। यस। हाँ जी दोस्तों, तो जल्दी हमारे लव चौधरी के 1 मिलियन फॉलोवर करवाइए, और उसके बाद में सरप्राइज देंगे। तो जितने भी लोग आपको फॉलो करते हैं 1 मिलियन, आप उनको बुलाओगे? जो मेरे फ्रेंड्स हैं मैं उनको बुला रहा हूँ। हाँ उनको बुला रहे हो, किन किन को बुलाओगे आप? नक्श को, मणि को, गुन्नू को, और मिंकू को, लक्ष्य को, और युवराज को, और यश को, पदम को, काव्य को, और इतनों को बुलाएंगे भी। इनमें सबसे ज़्यादा आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? नक्श क्या? हाँ ये सबसे ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड है। बेस्ट फ्रेंड है इनका, ठीक है नक्श। और नक्श सुन रहे हैं ना, तो आप देख लेना अभी, इनके सबसे बेस्ट फ्रेंड आप ही हो, ठीक है। अच्छा फैमिली में कौन सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? मुझे तो सभी अच्छे लगते हैं, फिर भी एक तो थोड़ा सा होता है अभी, पापा ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मम्मी लगती है, भैया लगते हैं, कौन लगता है? मुझे सभी अच्छे लगते हैं। अच्छा अभय भैया की कौन सी बात सबसे अच्छी लगती है? मुझे अभय भैया की ये बात अच्छी लगती है कि वो मुझे घुमा
घुमाने ले जाते हैं दूर दूर तक साइकिल पे, तो मुझे वो अच्छा लगता है। वो अच्छा लगता है भी, क्या बात है। अच्छा हाँ, साइकिल पे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी है साइकिल पर। यस, वो मेरी साइकिल है, मुझे वो बहुत पसंद है। अच्छा, गेम कौन सा पसंद है आपको? लव मोबाइल में या रियल में? दोनों बता दीजिए। रियल में तो मेरा फेवरेट है छुपन छुपाई। छुपन छुपाई रियल में फेवरेट है। और वैसे कौन सा फेवरेट है? वैसे फ्री फायर और पबजी। फ्री फायर और पबजी पसंद है। अच्छा, आप थोड़ा सा अपने फ्री फायर के अकाउंट के बारे में बता दीजिए। अकाउंट के बारे में बताता हूँ, मेरे अकाउंट का नाम है लव, मेरे अकाउंट का नाम है लव किलर $7। क्या बात। और है? मेरा लेवल कोई भी सर्च करेगा तो 33 होगा, और BR में मैं प्लेटिनम 3 हूँ, और CS में गोल्ड 2। क्या बात है, क्या बात है। इतनी सारी अचीवमेंट है लव चौधरी के पास फ्री फायर के अंदर। तो किसी को भी सर्च करनी है तो वो सर्च कर लेना, ये वीडियो अलग से डाल देंगे, लिंक भी डाल देंगे, है ना? यस। अच्छा, कोई आएगा खेलने तो उनके साथ खेलोगे आप? यस। अच्छा, तो आप क्या क्या सपोर्ट करोगे उनको खेलते हुए? मैं उनकी रैंक माइनस नहीं होने दूंगा। मैं उनकी रैंक माइनस नहीं होने दूंगा। अगर मेरे को AWM और M82B और उनकी 100 एमओ और एक लॉन्च पैड और 3 सुपर मेडिकिट मिल गई फिर तो देखना। हाँ, ये सारी चीजें मिल गई फिर देखेंगे हम, है ना? फिर सबको मार दूंगा मैं। आपको, अच्छा, आपका फेवरेट एक्टर कौन सा है? फेवरेट एक्टर शाहरुख खान। शाहरुख खान, तो शाहरुख खान का कोई डायलॉग याद है आपको? नहीं नहीं याद है। अच्छा, शाहरुख खान की कोई फिल्म देखी है आपने? मूवी में कोई इंटरेस्ट नहीं। मूवी में इंटरेस्ट नहीं है, बस ऐसे ही शाहरुख खान पसंद है। यस। सिंगर कौन सा पसंद है? सिंगर मुसियाला। मुसियाला अभी तो इस दुनिया में नहीं है मुसियाला, पर मैं उनके ओल्ड सॉन्ग सुनता हूँ। क्या बात है, ओल्ड सॉन्ग सुनते हैं? ओल्ड इज गोल्ड। ओल्ड इज गोल्ड, क्या बात है, क्या बात है। इस बात पर ताली हो जाए, क्या बात है अभी। अच्छा लव चौधरी, फिर एक सॉन्ग सुना दीजिए उनका कोई अच्छा सा। ओके ओके, तो मैं सुनाता हूँ कौन सा, आप बताएं। लेवल अप जिन्ना ना कंपेयर करे सड़े लेवल दे नी हार दिए, जिन्ना नू मेरी हटल पतायो ना बार नी उठ के आए, कुछ माजे दे जट बन दे आ कुछ काबी बढ़ दे अके नी हो पुल जांदे, पर कुछ नी मूरे लेवल दे नी हार दिए, पर जे उच्ची सामान सी पूरा खाबी सोच चने हेरे ने पूरा ना नींद गायो चल पूरा ना नींद खायो नश ने तो खायो पिथू चाचा बहुत बोल दे मुते कड़ो सिटे ने रोटी पाया जिन्हों ने जो उसते पैसे मन देने सानू वाला चंगा बोल के चला ले कई ने चिल्लियां बिल्लियां लगू के भी पैक पैते उत्ते ना जो सुना कसम ने करते 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 तेने मोदे तेने जसन दी कोई लोड नहीं अज भी जे बिल बोर्ड करना ना ते कोई सकदे ने पैन क्लपा करके चोपर करता सी ओ जोड़ के सो दोड़ो जो मुख करे ते बनदे सी बिल बोर्ड कड़े। क्या बात है भाई, क्या बात है। लव ने तो पूरा ही सॉन्ग सुना दिया। लव तो हमने बोला था थोड़ा सा सुना ना, सारा ही सुना दिया आपने तो। यस, फिर यस, याद है। फिर बीच में छोड़ें क्यों? और फिर बीच में छोड़े क्यों, क्या बात है, क्या बात है। लव मेरे को भी बहुत पसंद है, पर मेरे को सॉन्ग याद नहीं होती, क्या करूं? उसके लिए ना आपको सॉन्ग को दो बार सुनना चाहिए। दो बार सुनना चाहिए, सभी सुन लीजिए भी। जिस किसी को भी सॉन्ग याद नहीं होते हैं तो उनको है ना सॉन्ग दो बार सुनना चाहिए, फिर याद हो जाए। और वो भी मन लगा के। वो भी मन लगा के, क्या बात है, क्या बात है। इसका मतलब फिर मैं मन लगा के नहीं सुनता ना। यस। और मेरा फेवरेट डॉग है पिटबुल, अल्सेशियन और हस्की और लेब्राडोर। आपका कौन सा फेवरेट है? मेरा है ना, मेरा वोडाफोन वाला है, छोटा सा बूटा। अच्छा। हाँ। वो मेरी नानी, वो मेरी छोटी नानी के पास भी है। हाँ। और आपको कौन सा पसंद है? और मेरे को जर्मन शेफर्ड। अच्छा। हस्की भी पसंद है मेरे को। अच्छा। हाँ। तो आपको आपको कोई इन चारों डॉग में से कोई उसका छोटा सा बच्चा बेबी ला के दे तो आप रख लोगे? कोई सा भी दे दो, मैं रख लूँगा। रख लेंगे भी, कोई से कोई किसी भी डॉग का बेबी लाके यदि किसी के पास है तो वो जरूर है ना लव चौधरी को देना, फिर लव चौधरी उसको है ना छोटे से बच्चे को बड़ा करेंगे अपने पास, है ना? यस। हाँ जी हाँ जी, तो उसकी बहुत केयर करूँगा। बहुत केयर करेंगे भी, बहुत केयर करेंगे। फीमेल देना। फीमेल देना, सभी को बोल दिया फीमेल देना। फीमेल। हाँ फीमेल। अच्छा लव चौधरी आगे बड़े होके क्या बनना चाहती है? यूट्यूबर और IAS। यूट्यूबर और IAS बनना चाहते हो? तो यूट्यूबर तो आप पहले ही बन चुके हो, आपकी वीडियोज आ रही है यूट्यूब पर। यूट्यूब पर। हाँ। मैं एक और चैनल खोलूंगा गेमिंग का। हाँ हाँ,
गेमिंग का। तो उसमें उसमें क्या क्या कुछ क्या कुछ कर किया करोगे? उसमें आपको बस फ्री फायर ज़्यादा देखने को मिलेगा। फ्री फायर ज़्यादा देखने को मिलेगा, आपको सभी को बता दिया है। और आईएएस तो बड़े होके बनोगे क्योंकि उसके लिए तो बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। और फिर आप आईएएस भी बन गए, यूट्यूबर भी बन गए, तो फिर दोनों में से क्या काम करोगे? दोनों में से दोनों करूँगा। संडे को एक गेमिंग वीडियो देखेगी और बाकी दिन अपना आईएएस का काम करेंगे, ठीक है? यस। और आपको कौन सा गेम पसंद है? मेरे को है ना, मेरे को कैंडी क्रश पसंद है। अब मेरे को है ना ये फ्री फायर समझ में नहीं आता, क्या करूँ? कैंडी क्रश क्या? हाँ कैंडी क्रश वो पसंद है, मैं खेल लेता हूँ कभी कभी। ये मेरे को समझ में नहीं आता लव। इसमें फाइटिंग वाला होता है, इसमें फाइटिंग वाला होता है। स्मोक ये पबजी जैसा है, ये पबजी जैसा है। और वो है ना मेरे को ज़्यादा पसंद है, ये है ना फाइटिंग है ना, मेरे छोटे भाई है ना मेरा रोहित, उसको वो बहुत खेलता है। वो है ना पढ़ाई नहीं करता, गेम गेम खेलता है आपकी तरह। मैं तो पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई करती हो तो? मैं तो सब काम करता हूँ। सब काम करती हो? काका बता रहे थे कि पढ़ता ही नहीं है। लव हो रहे पढ़ता हूँ, वो कुछ दिन ना मैं थोड़ा ज़्यादा बिजी हो गया था। अच्छा अच्छा बिजी हो गए थे। कल भी पढ़ा था, कल भी पढ़ा था। तो पढ़ाई के साथ साथ तो खेल सकते हैं ना? यस, पढ़ाई के साथ खेलो और ज़्यादा से ज़्यादा प्ले करो। हाँ ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ खेलो, तब तो आपको खेलना भी चाहिए। और रोहित है ना हमेशा सिर्फ खेलता ही खेलता रहता, तो पढ़ता नहीं था, तो उसको क्या कहना चाहोगे आप? तो उसको मैं कहना चाहता हूँ, अगर आंखों पे चश्मा लगानी है तो ऐसे ही खेलो। आंखों पे चश्मा लगानी है तो ऐसे ही खेलो, ठीक है? और पढ़ के पढ़ोगे तो बड़े भी बनोगे, आईएएस भी बनोगे, है ना? फिर तुम्हारी लोग कदर भी करेंगे, फिर तुम्हें लोग कहेंगे देखो आईएएस आ गया, आईएएस आ गया, आईएएस ऐसे। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा लव, मैं तो 1 आवर देखता हूँ, उसमें बीच में आराम करता हूँ। आराम करते हैं बिल्कुल, थोड़ा सा देखते हैं। मेरा सीरियस मैच चल रहा हूँ। हाँ, आंखें हाँ। ज्यादा इम्पोर्टेंट है या रैंक? सही, रैंक तो कभी भी प्लस कर लेंगे स्क्वाड में। क्या बात है, क्या बात है लव। अच्छा इतनी बातें आपको कौन बताता है? मेरे अंकल, मेरे अंकल, मेरे पापा और मेरी दीदी। क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा लव, आईएएस बन के क्या करोगे? मैं स्ट्रीट डॉग्स को कैनल में जो भी मुझे मिलेंगे मैं उनको कैनल में छोड़ दूंगा, और गायों को गौशाला, और गरीब लोगों को मैं खाना दूंगा। खाना देंगे भी, देख लीजिए दोस्तों, एक छोटी सी उम्र है, सिर्फ करीबन 8.5 साल का है लव चौधरी, और काफ़ी कुछ मेच्योर है, दिमाग से तो बहुत ज़्यादा मेच्योर है। एक 15-16 साल का बच्चा होता है, उसके इतनी सारी बातें दिमाग में नहीं आती, जो कि लव के इतने छोटा सा प्यारा सा बेबी है, फिर भी इतनी सारी चीज़ें इनको पता है, क्या कुछ करना है, कितनी देर खेलना है, और सभी चीज़ें बराबर हैंडल कर रहे हैं। तो लव, ये शूज अलग कैसे है? ये शूज अलग इसलिए है क्योंकि ना मेरे यहाँ पे मेरे पैर ऐसे थे, तो अभी ऑपरेशन किया तो ऐसे हो गए हैं अभी मेरे पैर। और मेरे पास रैबिट है, उनका भी मुझे ख्याल रखना होता है। ख्याल रखना होता है, लव बहुत काम करता है अभी, इनको गेम भी खेलना होता है, इनको पढ़ना भी होता है, इनको घूमना भी होता है, इनको अपने रैबिट का ध्यान भी रखना होता है ना, इसके अलावा कोई प्रेग्नेंट है ना उनमें से एक। अच्छा अच्छा अच्छा, उनका ध्यान रखना होता है। यस। अच्छा अच्छा, तो फिर आप ही केयर करते हो उनकी सभी की? अगर कुछ टाइम बिजी नहीं होता तो कर लेता हूँ, कर लेता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, तो फिर उनको खाने में क्या खिलाते हो? खाने में कनक दे देता हूँ, खाना दे वो ग्रास दे देता हूँ, और वाटर और टमेटो। ये सारी चीज़ें लव चौधरी अपनी रैबिट की ध्यान रखने में यूज़ करते हैं। अभी दोस्तों कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ जो इनकी फैमिली से मेरे को पता लगी, कि बहुत सारे पर्सन आते हैं, बहुत सारे कमेंट आते हैं इनके पास कि लव चौधरी मतलब क्या कुछ है इनका। तो मैं आपको बता दूँ, इनको जन्म से ही एक बहुत रेयर डिजीज है, जिसमें इनके जो हड्डियां हैं, इनकी बोन्स हैं उनके अंदर, वो मेरे को तो नाम नहीं आता, उसके अंदर उनके जो कैल्शियम नहीं बन पाता, तो वो हड्डियां काफ़ी कमज़ोर है। इन्होंने जैसे कि लव ने खुद ने बताया कि इनके पैर थोड़े से टेढ़े थे, तो डॉक्टरों ने ये इस स्पेशल टाइप के जूते इनको बताया, जिससे इनके पैर सीधे हो गए और चलने फिरने में इनके आसानी होने लगी, है ना लव? यस। हाँ जी। और ना वो रैबिट ना कुछ दिनों में ही बच्चे देगी, तो उसका मुझे बहुत ख्याल रखना पड़ता है। हाँ। रखना भी पड़ेगा, वरना उसके बेबीज हेल्दी नहीं होंगे। हाँ ध्यान, जिसको भी पेट ला रहे हो तो ये बात पहले देख लो कि अगर नहीं पाला जाता है तो मत ही लाओ।
मत ही लाओ, ठीक है? वरना वो ऐसे ही बेचारा तड़पेगा। तड़पेगा। अभी सभी ध्यान से सुन लेना, ठीक है ना? लव चौधरी ने ये बातें बता दी है, और यदि ये सारी बातें नहीं मानोगे तो ठीक नहीं रहेगा, है ना? यस, फिर वो आपको मन मन में गालियां देंगे। मन मन में गालियां देगा। दोस्तों कसम से एक बात बता रहा हूँ, आज तक इतने सारे इंटरव्यू किए हैं बागड़ी बेल्ट के अंदर, बहुत सारे इंटरव्यू किए हैं, 40 से ज़्यादा इंटरव्यू कर चुका हूँ, पर अब तक का सबसे प्यारा और सबसे अच्छा इंटरव्यू है मेरा, और बहुत अच्छा इंटरव्यू जा रहा है। और लगभग हमेशा मेरे को बोलते हैं कि तू खुद ही बहुत ज़्यादा बोलता है, जिनका इंटरव्यू लेता है वो बहुत कम बोलते हैं, पर आज मैं मौका दे रहा हूँ, लव को ही सुने जा रहा हूँ, क्योंकि लव से आप यदि फ्रेंडली मिलते हो कभी भी, तो लव से एक बात पूछोगे तो लव सामने से आपसे तीन बातें पूछेगा, ऐसा लव का एक बिहेवियर है, बहुत प्यारा सा बिहेवियर है। अच्छा लव, और खाने पीने में क्या पसंद है? मेरे को तो मेरी चाची जो बनाती है मैं तो वही खा लेता हूँ। मेरी चाची जो बनाती है ना मैं तो वो खा लेता हूँ। हाँ वो खा लेते हैं, तो भी कहने का मतलब? अगर ऐसे कोई मेरे को रात में खाना नहीं खाना है ना, तो घर पे नहीं है, तो फिर भी मैं वो खा लेता हूँ, क्या फिर बात सुबह है, मेरे को ला देते हैं वो। क्या बात है भाई, क्या बात है, देख लीजिए। और इनकी जो चाची वैसे बन हा? वैसे ऐसे मैं जिद नहीं करता, जिद नहीं करते, एक अगर अच्छी घर पे बच्ची। बाइक नहीं है और दोपहर है मेरे को भूख लगी है मैं कंट्रोल कर लेता हूँ। क्या बात है भाई, क्या बात है दोस्तों, देख लीजिए, फुल मेच्योर जो इंसान का एक दिमाग होता है और मेंटली जो हेल्थ होती है वो लव के साथ है। एक 8 साल की उम्र के अंदर मैंने इतना मेच्योर बच्चा आज तक नहीं देखा, काफ़ी मेच्योर है। और हाँ, और जो फिजिकली है, जो आपने हम बात कर चुके हैं, तो जो कमेंट है, जो काफ़ी ज़्यादा कमेंट आते हैं, तो हम मैंने पता किया, और इनकी जो जो भी ट्रीटमेंट है वो PGI रोहतक से चल रहा है, और काफ़ी हेल्दी है अभी हाल फिलहाल, सॉरी PGI चंडीगढ़ से चलता है, और काफ़ी हेल्दी है, काफ़ी अच्छे हैं, बहुत बढ़िया चल रहा है जो भी सब कुछ है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इनकी सपोर्ट कीजिए इंस्टाग्राम पर भी और यूट्यूब पर भी। अच्छा, कौन सा क्रिएटर यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा पसंद है? नंबर 1 पे तो अज्जू भाई है, अज्जू भाई है। दूसरे नंबर पे देसी गेमर्स। देसी गेमर्स है, यानी जो गेम खेलते हैं वही पसंद है। यस, मेरे को वही अच्छा, पसंद है। अज्जू भाई को क्या कहना चाहोगे? अज्जू भाई को कहना चाहूँगा, अगर अज्जू भाई को कहना चाहूँगा अगर आपको मेरी आईडी दिखी तो मुझे रिक्वेस्ट भेजना, फिर अपन दोनों साथ में खेलेंगे, अपन दोनों प्लस साथ करेंगे, में खेलेंगे। प्लस करेंगे डुओ वर्सेस स्क्वाड। क्या बात है, क्या बात है, अपन दोनों साथ में खेलेंगे और प्लस करेंगे, और अज्जू भाई आपकी हेल्प करेंगे लव चौधरी, है ना? यस, मैं आपको स्नाइपर ढूंढ के दूंगा, ये क्या पता बात है है, वहां क्या से बात मिलती है। है वो। हाँ तो दोस्तों अज्जू तक ये वीडियो जरूर पहुंचाना, इसकी शॉर्ट वीडियो के किसी भी तरह से जरूर पहुंचाना, और एक बार तो जरूर खेलना अज्जू के साथ, है ना? हाँ पक्का। हाँ पक्का खेलेंगे, और मैं भी कभी अज्जू से मिलूंगा ना तो अज्जू को जरूर बोलूंगा अभी लव की ये आईडी है और आप उनके साथ खेलिए, ठीक है? ओके। हाँ अच्छा, और आप अपने जो सारे के सारे फॉलोवर है, व्यूवर है, उनको क्या कहना चाहते हैं? मैं उनको कहना चाहूँगा कि मुझे जल्दी जल्दी सपोर्ट करो, जल्दी जल्दी 1 मिलियन करा दो, और इनका भी चैनल है MJ 911, इनका भी सपोर्ट करना। मेरे को भी सपोर्ट करना, ठीक है? अब ये ना एक बार मेरे चैनल के बारे में बता दीजिए, मेरे चैनल का 911 नाम क्यों है? 911 इनके चैनल का इसलिए नाम है क्योंकि ये भी मेरी तरह से दुम से वाला के फैन है, और 911 नंबर में पावर होती है, वो पावर ट्रैक्टर होती है। नहीं देखा हुआ आपने? हाँ इसलिए मुझे लगा कि शॉर्ट्स वीडियो में क्या बात है, उसमें। हाँ बस इसलिए। और दोस्तों सही में रियल रीज़न भी ये है कि जब मैंने इस चैनल की शुरुआत की थी तो इसके पीछे दो ही रीज़न था, सिद्धू मूसेवाला का फ़ैन होना, और दूसरा जो HMT का 911 जो ट्रैक्टर है जो काफ़ी पावरफुल है, उसके पीछे यही रीज़न था कि मैंने इस चैनल का नाम रखा। और ये बात लव चौधरी को बिल्कुल अच्छे तरीके से पता है, क्योंकि ये भी उनके बहुत बड़े फ़ैन है सिद्धू मूसेवाला के। अच्छा लव, आपने नाम के पीछे लव चौधरी लगाया हुआ है, चौधरी का क्या मतलब होता है? क्योंकि हम निवाद हैं। हम निवाद हैं, तो जो निवाद होते हैं वो चौधरी लगाते हैं। यस। आपके भैया तो नहीं लगाते? मेरे भैया को ऐसी आदत है ना, इसलिए उनको वो लिख देते हैं निवाद। हाँ तो उनको बोला करो भी आप भी चौधरी लगाया करो। यस। हाँ आप कहना ठीक है ना, आप भी अभय नाम है ना उनका। यस। अभय चौधरी लगाया करो, ठीक है ना? ओके ओके ओके। और क्या कुछ कहना चाहते हो? एक एक तो शायरी और हो जाए अपनी। ओके हाँ जी सुना दीजिए। भाई जी दाबली क्या, मैं तो चंडीगढ़ की नागण हूँ, मैं ही के दी हनुमानगढ़ का स्पेरा छबड़ी हम गालता देर कौन लगा। हाय हाय क्या बात है, क्या बात है। ये सबसे ज़्यादा जो वायरल जो इनकी इंस्टाग्राम पर वीडियो है उनमें से एक है। एक दो और हो जाए। यस हाँ जी। अब दापली नंबर लिया, ओ मारो टैलेंट हो, अब रॉन्ग नंबर बताओ, दापली को टैलेंट। हाँ हाँ ये तो हो गई लव, एक और नहीं। और मैं सुनाता हूँ। हाँ।
दर्जी दापली के काल थे मेरे सपने माया नहीं क्यों दापली तक के देखो सपने फट फट यो ट्रैक्टर ले मार लेगा मैं गुड़ बेचता फिरा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे लव चौधरी, बहुत अच्छे ये, बहुत इनके जो अच्छे। ये आपको कौन सिखाता है? भैया, अबे भैया, अबे भैया। और आपको याद रह जाती है सारी की सारी? यस। अच्छा, आप उन लोगों को क्या कहना चाहती हो जिनकी याद नहीं होती चीजें? उनके याद ऐसे होगी वो अपने माइंड से उनको देखे, आंखों से नहीं, माइंड से। हाँ, अपने माइंड से उनको देखे, जो भी चीज़ याद करनी है आंखों से ना देखे। तो आंखें बंद करके माइंड से देख सकते हैं? माइंड में ऐसे वो उनकी आवाज़ें डाल लो, आवाज़ें डाल लो, ठीक है। वे काफ़ी कुछ चीज़ें बताई है लव चौधरी ने, ये चीज़ें आप यूज़ करना, उसके बाद में आपके याद हो जाएगी, है ना। अगर फ्री फायर खेलते टाइम आपको गुस्सा आए तो फोन को बंद कर दो बस। क्या बात है, क्या बात है। हाँ अच्छा, एक बात बताओ लव चौधरी, मेरा भाई जब खेलता था ना फ्री फायर, तो वो बहुत सारे पैसे लगा देता था, आप भी लगाते हो? नो, मैं आई विल मनी सेविंग। हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। तो रोहित को क्या कहना चाहोगे जो मेरा भाई है वो? मैं रोहित को कहना चाहूँगा ये गेम कभी भी बैन हो सकता है, इस पे बहुत वो ग्रीना बोल रहा है कि बैन हो सकता है ये, तो इसमें ऐसे पैसे लगाने का कुछ फायदा नहीं है, कुछ नहीं होगा इससे, बस बंडल से कुछ नहीं होता, गेम प्ले से होना चाहिए, गेम प्ले कैसा होता है यही होना चाहिए। और सभी सभी लोग जो है ना फ्री फायर पबजी खेलते हैं उनके लिए ये बात है ना, टॉप अप नहीं करना चाहिए। एक मैंने कहावत सुनी थी मेरे चाचा से, किसी ने टॉप अप किया था फ्री फायर में, उसको कुछ नहीं मिला, उसने फांसी लगा के खुद को मार दिया। हाँ, इसलिए टॉप अप नहीं करना चाहिए, है ना। यस, टॉप अप नहीं करना चाहिए। हाँ, ये इनके इनके चाचा ने इनको बात बताई थी, तो और आप भी सभी सुन लीजिए, चाहे कितना भी मनो चाहे कुछ भी हो, टॉप अप मत करो, टॉप अप कभी मत करो, ठीक है। और मैं आपके पास आया, आपको अच्छा लगा? यस। हाँ जी, तो और आने के बाद मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नो, बिल्कुल नहीं। अच्छा, आप आपकी जो पार्टी होगी मेरे को बुलाओगे? यस। कैसे बुलाओगे, मैं तो बहुत दूर से आया हूँ। आपके नंबर मैं अपने भैया से ले लूंगा, और मैं दुआ करता हूँ आपके जल्दी से 1 मिलियन हो जाए, और आप मेरे को बुलाओ। ओके। हाँ, और तो अभी अपने सभी लोगों को क्या कहना चाहती हूँ? मैं सभी लोगों को कहना चाहता हूँ कि जो है ना, अगर आपने गलती से टॉप अप किया है तो उसको तो चलो छोड़ो, पर नेक्स्ट टाइम नो, नेक्स्ट टाइम नो, ठीक है। तो आज दोस्तों हमारे साथ है लव चौधरी, इनका गांव है गोलूवाड़ा और हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, और पिछले 6 महीने से काफ़ी एक्टिव है, और इंस्टाग्राम पर 60,000 से ज़्यादा इनकी फ़ैन फॉलोइंग है, धीरे धीरे यूट्यूब पर भी आ रहे हैं। जैसा कि आप इनकी वीडियोस देखते हैं, इनके अंदर आपको कुछ पता भी लगता है कि फिजिकली कोई प्रॉब्लम है, तो वो भी मैंने आज आपके साथ शेयर की है। इनके जो कैल्शियम कम बनता है इनकी बोन के अंदर, तो ये सारी प्रॉब्लम है, पर कहने का मतलब मेंटली इतने ज़्यादा स्ट्रांग है भगवान की दया से, जो अपनी बागड़ी के अंदर कह देकर अभी थुतकार हो जावे, कि बहुत बहुत मेंटली स्ट्रांग है, एक पूरा मेच्योर, एक पूरा जो 15-16 साल को जो बच्चा को जो दिमाग हुई करे, वो आज 8-8.5 साल के अंदर ही लव चौधरी का है। तो बहुत बहुत धन्यवाद लव चौधरी आपका, आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला, थैंक यू सो मच। और आपके जल्दी से 1 मिलियन हो जाए, फिर हम मिलते हैं आप, ठीक है। ओके ओके। तो दोस्तों ऐसे ही एक शख्सियत के साथ आज हम फिर से हैं, और जैसा कि हमारा चैनल है, हम नेक्स्ट लेवल जो भी अपनी फील्ड में काम कर रहे होते हैं उनके इंटरव्यू आपके सामने लेके आ रहे हैं। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट लेवल काम के साथ, एक नेक्स्ट लेवल इंसान के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय, टाटा टाटा, ठीक है।